हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो बेसिकली आज मैं शॉर्ट राइड पे जाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा सेटअप है। दोपहर के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3, और 3 बजे मैं जाने वाला हूँ कसारा साइड। एग्जैक्ट कहाँ पे जाने वाला हूँ वो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। सो अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बाइक पर मिलते हैं। चलो अभी निकल चुका हूँ मैं, और गर्मी इतनी नहीं है, दोपहर का मौसम है, ठीक ठाक वेदर बोल सकते हैं। क्योंकि ऑफकोर्सली समर में राइड करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट आजकल इतना गर्म नहीं है सो नॉट एन इशू। बट कोई नहीं, हाइड्रेट रहना हमेशा अच्छा रहता है। पानी की बॉटल मैंने कैरी की है ऑफकोर्सली साथ में। एक्चुअली मुझे सैटरडे यानी कल ही जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और वैसे भी काम की वजह से जो व्लॉग आपने लास्ट टाइम के देखे तो वो खुद पेंडिंग थे इतने दिन से। बेसिकली मुझे अभी शॉर्ट राइड करके बहुत बोर होने लगा है, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कंडीशन है मेरी फ़िलहाल में। इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, इतना तो इतना ही सही। बट लॉन्ग राइड या फिर 1 से 2 दिन तक स्टे करने मिल जाए कहीं पे जाके तो और भी अच्छा रहेगा। वही मैं देख रहा हूँ, अगर साथ में और कोई भी रहेगा राइडर तो और मज़ा आएगा। सोलो में अलग मज़ा है, ग्रुप में अलग मज़ा है। सो लेट्स सी, जैसे भी प्लान होता है वो तो अपडेट मैं आपको दे ही दूंगा आगे चल के। बट फिलहाल मैं आई एम एंजॉयिंग दिस ट्रिप। और कल का जो प्लान है यानी मंडे का, वो भी शायद से एक रैंडम प्लान रह के मैं कहीं तो जाने वाला हूँ। अगर गया तो उस पर भी वीडियो ऑफकोर्सली रहेगा। मैं वही गाँव जाने का सोच रहा हूँ। वही गाँव जाके भी फ़िलहाल में मतलब है नहीं कुछ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अभी क्या, हम लोग जब बारिश में गए थे तभी उधर धूप थी, हम लोग पसीने से गीले हो गए थे पूरे तो। और अभी तो धूप ही है तो फिर मतलब ही नहीं है। बट शाम के टाइम या फिर एकदम सुबह सुबह अगर मैं जा सकता हूँ तो जाऊँगा वहाँ पे, या तो फिर घर पे रिटर्न। सो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो कितना सही लग रहा है, ये हर पिलर पे ऑलमोस्ट किया है इन्होंने, और ब्रिज का कलर भी अच्छा खासा कर दिया है। अच्छा लगता है ये सब देखने में। क्या रास्ता समोरून पण है, इथून जाऊ शकतो ना? हाँ चलो, थोड़ा ऑफ रोड कर दे। ये नो एंट्री तो लिखा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, अभी इनको पूछा तो वो तो बोल रहे जा सकते हैं करके। बाइक्स तो जा रही है, आ रही है। डाइवर्जन, एक फनी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ओए होए 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 होए, इधर नो एंट्री और डाइवर्जन देखो किधर दिया इन्होंने, डायरेक्ट पानी में, उधर से जाओ। जस्ट जोकिंग। ये रास्ते का काम शायद चालू होगा अभी, इसके लिए फिर इधर नो एंट्री है। बट बाइक्स वाले तो आ रहे इधर से ही। सिर्फ बीच में एक थोड़ा ब्रेक ले लूँगा मैं 5 मिनट के लिए, पानी पी लूँगा, और हेलमेट जो मेरा हमेशा मुझे तकलीफ़ देता है उसका भी इलाज करना पड़ेगा। बाबा अरे किधर से है रास्ता, मैं आ तो गया। ओके नो इश्यूज, यहाँ से है। ओयो बाबा क्या काम कर रहे, क्या मत। चलो अभी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अगर हुआ ट्रैफिक तो एक पैच है बीच में, वहाँ पे हो सकता है टोल नाका पे, बाकी तो कुछ नहीं। बस अभी मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी लिमिट के बाहर जा रहा है। जो सर में इरिटेट होता है ना मेरे, वही हो रहा है सेम, तो उसका अभी जुगाड़ कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये रिस्की है बहुत, तो इसको उठा के साइड में डाल देते और क्या, क्योंकि इससे कार वालों को कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा वो होगा बाइक वालों को। तो बिंग ए बाइकर ये करना पड़ता है। अभी जिसका गिरा रहेगा उसने तो उठाया नहीं है, उसके ध्यान में नहीं रहेगा। बट कोई नहीं, अपना फर्ज बनता है ये सब करना। पत्थर हो या फिर जिससे कुछ रिस्क हो तो वो प्लीज़ साइड में डाल दीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट आप सभी से है। पर रुक ही जाते हैं, अभी अभी नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ।
बस अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया है पानी पीने के लिए और थोड़ा सर हल्का करने के लिए। ये एग्जॉर का जो हेलमेट का एक्सपीरियंस है मेरा और मैत्रेय का बहुत ख़राब है। मैत्रेय का भी सेम है, ये इतना अच्छा ग्राफिक्स है, सब है, हेलमेट अच्छा है, बट फिर भी यहाँ पे दुखता है। और अभी तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द वेट, क्योंकि जो मैं गोप्रो लगाता हूँ तो गोप्रो का वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से शायद से ये प्रॉब्लम आ सकता है, बट ये लॉन्ग राइड के लिए सही नहीं है तो वही अभी सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो पैडिंग अंदर का चेंज करेंगे या तो फिर देखेंगे और क्या कर सकते हैं, बट अभी का अगर बात करें तो राइड बहुत स्मूथ जा रही है, ट्रैफिक नहीं है, अपनी जो बाइक है बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, हमेशा कोई तकलीफ नहीं देती है, बस उसको मेंटेन करना पड़ता है। कोई अपने बाइक को ऐसा देखता रहता है ना बहुत अच्छा लगता है। 2-3 लोग रुके थे, यही है वो 2-3 लोगों में से 2 लोग। अभी GoPro की बैटरी भी कम हो रही है तो जो भी आगे प्लान रहेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो लेट्स गो। तुम्हारा ट्रक भागता नहीं है यार, तभी भी तुम लोग राइट में क्यों अड़ाते हो? समय मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमको इज्जत देता हूँ। मेरे को झगड़ा करने की कोई इच्छा नहीं रहती है, मेरा सिर्फ पॉइंट है कि तुम लोग राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट में चलो ताकि ट्रैफिक नहीं होएगा। अभी ये ट्रक वाले ने लेफ्ट में डाला, पीछे ऑफकोर्स ये तो स्पीड में था बट ट्रैफिक होता है तो थोड़ा इरिटेट होता है, बाकी कुछ। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आता है यहाँ पे हमेशा, गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बट फिर भी देखो कैसा है। गुस्सा करना बहुत बुरी बात है बट सच्ची में एक पॉइंट ऐसे आता है कि कितना भी कंट्रोल करो वो नहीं होता, और सेम मेरे साथ अभी हुआ। तो ट्रक वाला अगर ये वीडियो देखेगा नहीं देखेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं भी सॉरी बोलता हूँ, अगर आपके ट्रक को स्पीड है थोड़ी तो आप जा सकते हो राइट में, लेकिन नहीं अगर जा रहा है उसमें भी अगर स्टीप एरिया किधर आता है तो उसमें भी अगर राइट में रहेंगे तो वो ऑफकोर्सली धीरे धीरे होने वाला है। इसके लिए मैं थोड़ा हाइपर हो गया, बाकी कुछ नहीं। Ability.